न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा से 27 सितंबर को गायब हुए दो बच्चों में से एक बच्चे का नाले में मिला शव, पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम के बाद ही होगी स्थिति स्पष्ट। मानस कथा मर्मक मोरारी बापू ने कथा के 8वें दिन शिव धनुष भंग वसीता राम विवाह प्रसंग का किया वर्णन, कहा राम का नाम कथा में लेते हैं तो छूट जाता है लोकलाज और श्री राम के दर्शन मात्र से ही पीछे छूट जाते हैं संसार के समस्त विकार। समाजवाद के प्रणेता महान चिंतक विचारक एवं प्रखर प्रवक्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 52वीं पुण्यतिथि पर सपा ने आयोजित किया गोष्ठी, डॉक्टर लोहिया के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें दी अपनी श्रद्धांजलि। रामगढ़ ताल स्थित निर्माणाधीन चिड़ियाघर का नगर विधायक ने किया स्थलीय निरीक्षण, कार्यों से दिखे संतुष्ट, कहा परदेश ही नहीं बल्कि देश के चुनिंदा चिड़ियाघरों में से एक होगा चिड़ियाघर, बनेगा पर्यटन का केंद्र। श्याम सुंदरी थिएटर ग्रुप और आरपीएम एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप का हुआ समापन, प्रशिक्षणार्थियों को ड्रामा इन एजुकेशन तकनीक की अमेरिका से आए शिक्षाविद डेनियल कैलिन द्वितीय ने दी ट्रेनिंग। आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा 2 दिवसीय धर्म महासम्मेलन का किया गया आयोजन, निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए महिला और पुरुष। राष्ट्रीय डाक सप्ताह एवं 50वें विश्व डाक दिवस पर डाक विभाग की ओर से साइकिल रैली निकालकर दी गई योजनाओं के बारे में जानकारी। 65वीं मंडली कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ समापन, गोरखपुर बना ओवरऑल चैंपियन विजेता, प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर किया गया सम्मानित। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रम का किया गया आयोजन, मानसिक बीमारियों के प्रति किया गया जागरूक। और अधिवक्ताओं ने मनाया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने कहा लोहिया के विचार आज भी हैं बहुत प्रासंगिक।